नमस्कार दोस्तों, रिपेयर स्लैब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम रियलमी C2 RMX1941 RMX1945 का IMEI रिपेयर करेंगे। ये फ़ोन मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा है। मैंने UMT टूल से, CMT टूल से, अनलॉक टूल से और MRT इवन MTK के जितने भी टूल्स हैं उन सब में पिछले 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। इसका IMEI रिपेयर जो है वो सक्सेस नहीं हो रहा है। इवन NV डाटा, NV रैम तो राइट हो जाता है, बट IMEI जो है वो फेल हो रहा है। तो फाइनली इसका सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है। तो उसके लिए आपको चाहिए UMT का लेटेस्ट मीडियाटेक टूल, 0.2 वर्जन है इसका, वो आपको सबसे पहले डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम चलते हैं, देखो फ़ोन के अंदर सबसे पहले हमारे फ़ोन के अंदर बेसबैंड तो है, लेकिन IMEI नंबर जो है वो 00 हो चुका है। तो सबसे पहले हम टूल को रन करेंगे। अगर आपके फ़ोन का IMEI नल है या 00 हो चुका है तो आप आसानी से इस टूल से मीडियाटेक के किसी भी डिवाइस, चाहे MI का हो या रियलमी ओप्पो का हो, आप आसानी से उसका IMEI नंबर रिपेयर कर सकते हैं। आपको NV डाटा और NV रैम की फाइल जो है सबसे पहले उसमें राइट करनी होती है, और जो प्रोसेस है मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ किस तरीके से कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले फ़ोन को आपको स्विच ऑफ करना है और फ़ोन को केबल से डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद रीड इन्फो पे क्लिक करना है। रीड इन्फो पे क्लिक करने के बाद वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे, एक साथ दबा के रखेंगे तो फ़ोन जो है वो MT के पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। MT के पोर्ट में कनेक्ट होने के बाद रीड इन्फो पे क्लिक किया, सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके फ़ोन की प्रॉपर आती है तो आपको जाना है सर्विस टैब में। सर्विस टैब में जाने के बाद आपको क्या करना है, अनलॉक बूटलोडर पे क्लिक करके पहले क्या करते हैं हम इसका IMEI नंबर जो है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पहले मैंने नोटबुक में कॉपी कर रखा है, टाइप कर रखा है। आप चाहो तो डायरेक्ट टाइप करके IMEI उसमें पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड वाला भी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, IMEI तो अपना यहाँ पे मैंने टाइपिंग कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको अनलॉक बूटलोडर फंक्शन में जाना है। अनलॉक बूटलोडर ये जो है वो कंपलसरी है, उसके बिना आपका जो सिग्नेचर वेरिफिकेशन होता है वो डिसेबल नहीं होगा। तो अनलॉक बूटलोडर पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करना है, फिर वॉल्यूम प्लस माइनस बटन दबाना है और फिर फ़ोन को कनेक्ट करना है। वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों बटन को एक साथ दबाएंगे तो ये MT के पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए बूटलोडर अनलॉक। ओके, मेरा पहले से बूटलोडर अनलॉक है, मैंने सारा प्रोसेस कर चुका हूँ, पर मैंने ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए फिर से मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। तो बूटलोडर अनलॉक तो हो चुका है हमारा। बूटलोडर अनलॉक होने के बाद आपको इसको रीलॉक नहीं करना है, वापस IMEI के टैब में जाना है, वहाँ ओप्पो मेथड को सेलेक्ट करना है और राइट पे क्लिक कर देना है और यस पे क्लिक करना है। यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको ये क्या करेगा, NV डाटा और NV रैम, NVCFG की जो है, सॉरी सिक्योरिटी की जो फाइल्स है वो सारी ये बैकअप ले लेगा। इसके लिए वहाँ आपको मॉडल नंबर लिख देना है 1941 जो भी रहेगा और ओके कर देना है। फिर से सेम प्रोसेस, वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है और केबल लगा देना है। रीड NV डाटा, ओके, ये NV रैम भी रीड कर रहा है। देखिए IMEI फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो चुका है। नेटवर्क डाटा भी इसने फिक्स कर लिया है और डिसेबल कर दिया सिग्नेचर वेरिफिकेशन को। उसके बाद जब आप फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके ऑन करोगे तो स्क्रीन पे ऑरेंज स्टेट करके एक आपको एरर दिखेगा। तो वो एरर बूटलोडर अनलॉक करने के बाद मीडियाटेक के सारे डिवाइसेस में आता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन ऑन हो जाएगा, ऑरेंज स्टेट का एरर आएगा, फिर भी फ़ोन आपका जो है वो प्रॉपर स्टार्ट होगा।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर किसी तरह का कोई एरर आ रहा है या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ये देखिए, हम अभी IMEI चेक करेंगे, *#06#। ये देखिए, सक्सेसफुली IMEI रिपेयर हो चुका है। पहले मेरे फ़ोन का IMEI 000 था और इस टूल से सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।